नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है 4 पर्वत। एक दिन सुबह मौद्गल्यायन बुद्ध के पास आए तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बुद्ध द्वारा कारण पूछने पर मौद्गल्यायन ने बताया कि प्रभु, कल रात साधना के समय मेरा चित्त अपनी माता की ओर चला गया। उनके प्रति अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे ज्ञात हुआ कि अवस्था में मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिए, लेकिन ये बात मेरे दुख का कारण नहीं थी। मुझे दुख इस बात से हुआ कि जब वो जीवित थीं और जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय मैं भी उनके किसी काम का नहीं आ सका। प्रभु, मेरी माता के कर्म भी अच्छे नहीं थे। उसने अपने जीवन में अनेक अपराध भी किए, अनेक बुरे कर्म अब भी उनको दुख दे रहे हैं। ध्यान में मैंने देखा कि एक कटोरी में चावल रखे हुए हैं, जिन्हें अब जब मैंने उनको खिलाया तो चावल जलते अंगारे बन गए, जिनसे उनका मुंह जल गया। प्रभु, ये चित्र मेरे चित्त से हट नहीं रहा। पता नहीं कि मैं उनके बुरे कर्मों की भारी गहरी ये गठरी को कैसे हल्का करूं और बुरे कर्मों से उन्हें कैसे मुक्ति दिला पाऊं। बुद्ध ने पूछा, जीवन काल में उन्होंने क्या बुरे कर्म किए? मौद्गल्यायन ने बताया कि उन्होंने ना तो सधर्म पथ पर पग रखा, उनका काम ऐसा था जिससे उन्होंने अनेक प्राणियों को मारा। वो बहुत कर्कशा थी और उनके शब्दों से अन्य लोगों को कष्ट होता था। वो ऐसी थी जो लहलहाते वृक्षों तथा पौधों को भूत बना देती थी। मैं उनके कदाचारों को गिना नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने जीवन भर सभी शीलों का उल्लंघन किया। प्रभु, माँ के बुरे कर्मों के लिए मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मौद्गल्यायन से कहा, तुम्हारी माता के प्रेम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अपने माता पिता के प्रति हमारा ऋण आकाश में समान विस्तृत और सागर के समान गहरा होता है। किसी को भी ये ऋण नहीं भूलना चाहिए। जिस युग में बुद्ध अथवा पुण्यात्मा लोग नहीं थे, उस समय माता पिता ही सब कुछ थे। मौद्गल्यायन, जब तक तुम्हारी माता जी जीवित थी, तुमने सर्वोत्तम सेवा की। अब जब वह नहीं रही हैं, तब भी तुम्हें उनकी चिंता है, इससे तुम्हारा मातृ प्रेम प्रकट होता है। ये देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ। मौद्गल्यायन, अपने माता पिता के ऋण से उऋण होने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि आनंदपूर्ण और श्रेष्ठ गुणवान का जीवन बिताओ। तुम्हारा जीवन इसी प्रकार का है। शांति, हर्ष, प्रसन्नता और गुणवान के रूप में तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन है। तुमने बहुत से लोगों को सधर्म के पथ पर चलाया है। तुम अपना जीवन और समस्त साधना अपने माँ के बुरे कर्मों को जाल काटने के लिए अर्पित कर दो। मेरा इस संबंध में सुझाव यह है कि वर्ष प्रवास के समापन समारोह में सारा भिक्खु समुदाय तुम्हारी माँ के बाप कर्मों को नष्ट करने के लिए तुम्हारे साधना अर्पण समारोह में भाग ले और तुम्हारी माता की आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे संघ में अनेक भिक्खु ऊंचे साधक हैं। उनकी साधना और तुम्हारी साधना मिलकर प्रचंड शक्ति बन जाएगी, जिससे तुम्हारी माता के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्मा सच्चे धर्म मार्ग पर प्रविष्ट हो सकेगी। हमारे संघ में अन्य लोग भी होंगे जिनकी ऐसी ही स्थिति हो। हम प्रत्येक के माता पिता की आत्मा की शांति के लिए ऐसे समारोह किया करेंगे। इससे हम युवकों को भी पितृ ऋण और पूर्वज ऋण से उऋण होने की शिक्षा दे सकेंगे। मौद्गल्यायन, अधिकांश लोग अपने माता पिता को उनकी मृत्यु के बाद ही पहचान पाते हैं। माता पिता का जीवित होना बहुत सुखकर है। वे अपने बच्चों के लिए बड़े हर्ष का स्रोत होते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की उनके जीवन काल में ही सेवा करनी चाहिए और उन्हें सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे माता पिता जीवित हों या मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, संतान के प्रेम पूर्ण कार्यों से उन्हें प्रसन्नता होती है। उनके अच्छे गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। गरीबों और विकलांगों की सहायता करना, असहाय लोगों से मिलना, बंदियों को मुक्त करना, बधिकों के हाथों में मरने वाले पशुओं को मुक्त कराना, वृक्ष लगाना, ये सब करुणापूर्ण कार्य हैं जो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने माता पिता की आत्मा को सुख पहुँचा सकते हैं। वर्ष प्रवास के समापन समारोह पर हम प्रत्येक को ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा देंगे। इससे मौद्गल्यायन के चित्त को चैन मिला और उन्होंने बुद्ध को नमन किया। उसी दिन दोपहर में चलित ध्यान के बाद बुद्ध को राजा प्रसेनजीत विहार के द्वार पर ही मिल गए। निर्ग्रंथ संप्रदाय के साथ सन्यासी पास से गुजरे। इस संप्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहते थे और हठ योग की साधना करते थे। वे न दाढ़ी मुंडवाते थे और न सिर के बाल कटवाते थे। बुद्ध की अनुमति से राजा सन्यासियों के पास गए और कहा, आदरणीय सन्यासी बंधुओं, मैं कौशल का राजा प्रसेनजीत हूँ। राजा ने उन्हें 3 बार प्रणाम किया, लेकिन वह बोले कुछ नहीं। राजा उनके चले जाने पर बुद्ध के पास आए और पूछा, प्रभु,
आपके विचार से इन सन्यासियों में से कोई भी सिद्ध था अथवा सिद्धि प्राप्त करने के समीप की अवस्था में था? बुद्ध ने उत्तर दिया, महामहिम, आपके शासक का जीवन व्यतीत किया है, इसलिए आप राज अधिकारियों तथा राजनीति के ही अभ्यासी हैं। आपके लिए ये निश्चित करने में कठिनाई आना सर्वथा स्वाभाविक है कि किस सन्यासी ने साधना के क्षेत्र में क्या कितना अर्जित कर लिया है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए एक या दो बार की भेंट के द्वारा यह जान पाना कठिन है कि कोई साधना के पथ पर कितनी प्रगति कर चुका है। इसके लिए उनके निकट रहना और विषम स्थितियों का वह कैसे सामना करते हैं इसे ध्यान से देखना तथा दूसरों से कैसे वार्तालाप करते हैं और उनके ज्ञान, गुणों, सफलताओं का सावधानी से आकलन करना आवश्यक है। राजा समझ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये वैसे ही है जैसे गुप्तचरों को अन्य स्थानों पर भेजता हूँ तो वे ऐसे भेष बदल कर रहते हैं कि उनके लौटने पर उन्हें ही पहचान पाना कठिन होता है। मैं समझ गया कि आप सत्य ही कहते हैं। जब तक आप किसी को गहराई से ना जाने तब तक आप उसके गुणों, ज्ञान, साधनात्मक उपलब्धियों के विषय में जान नहीं सकते। बुद्ध ने राजा से अपनी कुटिया में आने का अनुरोध किया। अब कुटी पर आकर आनंद से दो आसदिया बाहर डालने को कहा। राजा ने बुद्ध से मन की बात कही, प्रभु, मेरी आयु 70 वर्ष की हो गई है। मैं अब आध्यात्मिक साधना में अधिक समय बिताना चाहता हूँ। मैं पहले की अपेक्षा अधिक चलित ध्यान और बैठकर साधना करूँ, लेकिन राजकाज अधिक समय और श्रम चाहता है। कभी कभी मैं आपकी धर्म देशना सुनने आता हूँ तो इतना थका होता हूँ कि मैं अपनी आँखें खुली नहीं रख पाता। एक दिन खूब भोजन करके विहार आया तो इतनी अधिक नींद आई कि मैं नींद भगाने के लिए चलित ध्यान करने निकल गया। मैंने यह भी नहीं देखा कि उसी मार्ग पर भी आप खड़े हैं और आपसे टकरा गया। बुद्ध हंसे, हाँ, मुझे याद है। इसके लिए आप भोजन कम मात्रा में करें, इससे आपका चित्त और शरीर हल्का रहेगा। आप रानी मल्लिका या राजकुमारी से कह दीजिए कि वे आपके भोजन का ध्यान रखें। भोजन मात्रा में कम और पोषक होना चाहिए। राजा ने बुद्ध का सुझाव मानते हुए हाथ जोड़े। बुद्ध ने अपना कथन जारी रखा, अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना की ओर अधिक ध्यान दें, यह अच्छा है। आपके जीवन का अधिक समय नहीं रहा है। महामहिम, मान लीजिए कि आपका विश्वस्त दूत आकर बताए कि एक बड़ा पहाड़ आकाश में उड़ता हुआ पूर्व की ओर से आ रहा है जिसके मार्ग में पड़ने वाला सब कुछ कुचल कर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही विशाल पर्वत की आने की सूचना आपके विश्वस्त अनुचर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से भी दें। यानी 4 विशाल पर्वत राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं जिनके गिरने से कुछ भी बचने का संभावना नहीं है। आप जानते हैं कि आप बच भी नहीं सकते और उनका आना रोक भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? राजा ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, प्रभु, उस अवस्था में मैं यही कर सकता हूँ कि जो भी समय शेष है उन क्षणों की सच्ची शिक्षाओं के अनुसार यथासंभव उत्तम और श्रेयपूर्ण कार्य करके बिताऊं। बुद्ध ने राजा की प्रशंसा की, ठीक ही कहा महामहिम, ये 4 पर्वत जन्म, जरा, रोग और मृत्यु हैं। वयोवृद्धता और मृत्यु हम सबके समीप आ रही है जिनसे हम में से कोई भी नहीं बच सकता। राजा ने हाथ जोड़े, प्रभु, बुढ़ापा और मृत्यु निकट आ रही है, इसे याद रखते हुए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अपने शेष दिन और महीने आपकी शिक्षाओं के अनुसार श्रेयस पूर्वक जीवन ध्यान साधना के साथ बिताऊं और अन्य लोगों, भावी पीढ़ियों के हितार्थ कार्य करूं, यही श्रेयस्कर होगा। राजा उठ खड़े हुए और विदा हेतु 3 बार नमन किया। उस वर्ष प्रवास में श्रावस्ती के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सदस्य और ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए। उन्होंने नगर के लोगों को आमंत्रित करके प्रवचनों, अभिभाषणों और शास्त्र अर्थों का विराट आयोजन किया। शास्त्र अर्थों में भी संप्रदायों को अपने संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बुद्ध के अनेक उपासकों ने इन शास्त्रार्थों को सुना। इन लोगों ने वहाँ जो कुछ देखा और सुना था वह बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि इन शास्त्रार्थों में प्रत्येक संभव आध्यात्मिक समस्या उपस्थित की गई और उस पर चर्चा के दौरान प्रत्येक वक्ता ने उसे यह सिद्ध करना चाहा है कि उसके संप्रदाय के सिद्धांत ही आध्यात्मिक समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान हैं। शास्त्रार्थ का आरंभ तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, लेकिन उनके समापन के समय सब कुछ क्रोधपूर्ण चीख चिल्लाहट का ही अखाड़ा बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक चतुर राजा ने अपने राजमहल में अनेक जन्मांत व्यक्तियों को आमंत्रित किया, यानी जन्म से ही अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनको आमंत्रित किया। राजा ने हाथी मंगवाकर उनके बीच खड़ा कर दिया था और उनसे कहा कि वह ये बताएं कि हाथी कैसा होता है। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी को टांगे टटोली वो बोला कि हाथी मकान के खंभों की सदस्य है। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ छुई उसने कहा कि हाथी पंखों से बने झाड़न के जैसा है।
जिस व्यक्ति ने उसके कान छुए उन्होंने कहा कि हाथी सूप के समान होता है। जिस व्यक्ति ने उसका पेट छुआ उसने कहा कि हाथी गोल ढोल जैसा होता है। जिसने उसका सिर छुआ उसने कहा कि हाथी मिट्टी के घड़े जैसा होता है। और जिसने उसकी सूंड छुई उसने कहा कि हाथी लाठी जैसा है। जब वे बैठकर इस पर विचार करने लगे कि हाथी कैसा होता है तो कोई भी किसी से सहमत नहीं हुआ। उनके बीच खूब जमकर बहस हुई। भिक्खुओं, आपने जो देखा और सुना वह संपूर्ण वास्तविकता का एक लघु अंश मात्र है, यानी छोटा सा अंश ही है। अगर आप उसे ही संपूर्ण सत्य समझ लेंगे तो उसका परिणाम तोड़ा मरोड़ा आधा अधूरा सत्य होगा। सद्धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को विनम्र और उदार हृदय होकर स्वीकार करना चाहिए कि उसका ज्ञान अपृश्य है। हमें सद्धर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए सतत प्रयास करके गहन अध्ययन करना चाहिए, यानी हमेशा आगे बढ़ती रहना चाहिए और कुछ ना कुछ विचार विमर्श करके उसको आगे अध्ययन करते रहना चाहिए। सद्धर्म के साधक को मुक्त मन का होना चाहिए, अनुसंधान करते रहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वर्तमान विचारों को ही चरम सत्य मान बैठना पूर्ण सत्य की अनुभूति के बाधक सिद्ध हो सकता है। सद्धर्म मार्ग पर प्रगति करने के लिए दो शर्तें जरूरी है, एक विनम्रता और दूसरी मुक्त चित्तता।